माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास कुछ महीने पहले किसी ने एक सवाल किया था, बाइबल का एक वाक्य देकर के इसको थोड़ा समझाइए बोला था, उसको मैं आज इस क्लास के अंदर बताना चाहूंगा। वो है यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 2:13, यर्मियस अध्याय 2:13, यर्मिया चैप्टर 2:13। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले। सबसे पहला, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, पहला अपराध। दूसरा अपराध, और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। तो उस भाई ने मेरे से सवाल किया, इसका क्या मतलब है? ईश्वर कहते हैं मेरी प्रजा, चुने हुए जो लोग, दो अपराध कर डाले। एक, ईश्वर को जो संजीवन जल के स्रोत है उसको त्याग दिया। दूसरा, अपने लिए ऐसे एक कुंड बनाया जिसमें पानी नहीं ठहरते हैं, जिसमें दरारें हैं। क्या अर्थ है? इस पूर्व में भी मैं कई क्लासों में बताया है, बाइबल के वचनों को समझने के लिए केवल वहां के उस एक बात को देकर के नहीं समझना, नहीं सीखना है, बल्कि इसको ओवरऑल पूरे बाइबल के आधार पर इसको सीखना जरूरी है। और हर वचन का एक प्रत्यक्ष रूप से वहां किसके लिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा एक अर्थ रहता है, लेकिन कुछ इनर मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग भी रहता है। जैसे कि यर्मिया के समय पर यर्मिया के द्वारा इसराइलियों को दिए हुए इन वचन आज हमारे लिए क्या है? ये तो इसराइलियों के लिए दिया हुआ बात है, और आज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी ये लागू है। इसलिए इस वचन को थोड़ा गहराई से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले यहां पर यर्मिया का ग्रंथ में ये किसके लिए लिखा, क्या लिखा है, क्या मतलब है, इसको समझने के लिए यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 2 से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा इसराइल के लोग, विशेषकर जो यूदा के जो लोग सत्य ईश्वर को, जो जीवंत ईश्वर है, उसको त्याग करके अन्य देवताओं के शरण में गए हैं। सत्य ईश्वर के जगहों पर आज उनके लिए अनेकों, बारिश के लिए एक, खेतीबाड़ी के लिए एक भगवान, फलाने के लिए एक भगवान, हर चीज के लिए ऐसे ऐसे भगवानों के पीछे जाना शुरू किया। सत्य ईश्वर को त्यागना और ऐसे देवी देवताओं को पकड़ करके उनकी पूजा आराधना करना जो सृष्टिकर्ता का नहीं बल्कि सृष्टि की पूजा करना शुरू किया,
यहां पर इसलिए ईश्वर ने कहा इन मेरे प्रजा ने दो अपराध किया। सबसे पहला मुझे सत्य ईश्वर जीवंत ईश्वर जो संजीवन जल के स्रोत है उसको त्यागा। जीवन जल जिस ईश्वर से मिलता है उस ईश्वर को त्याग करके ऐसे कुंड खोदा, इसका मतलब है अन्य देवी देवताओं का शरण में जाकर के जिसमें दरारें हैं, जिसमें पानी नहीं ठहर सकता, संजीवन जल आपको जल नहीं मिल सकता, ऐसे कुएं खोद कर उसमें बैठा हुआ है। यह है सीधा सीधा वो उस समय पर इसराइलियों के लिए यहूदियों के लिए ये जर्मिया के द्वारा घोषणा किया, वार्निंग था, नहीं सुना। आगे चल करके हमें मालूम है राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा इसराइल के ऊपर आक्रमण हो रहा है, मंदिर नष्ट किया, इन लोगों को कैद बनाया, अनेकों लोगों को तलवार के घाट उतारा, हजारों लोग का मृत्यु हो गई और हजारों को कैदी बना करके बाबुल देश लेकर के गए। उससे पूर्व में यर्मिया के द्वारा वार्निंग चेतावनी दिया था, तुम लोगों ने दो अपराध कर डाला है, एक जिसने ईश्वर को पकड़ कर रखा है वो ईश्वर नहीं है, वो गलत कुआ खोद कर रखा हुआ है, जीवन जल आने वाला उस झरना को उसको तूने त्याग दिया है, ये बोल कर रखे। अब आज हमारे लिए भी इसका कुछ मतलब आना चाहिए। संधि योहन का सुसमाचार से हम लोग शुरू करेंगे, इसको समझने के लिए संधि योहन का सुसमाचार से हम लोग शुरू करेंगे। योहन के सुसमाचार में संजीवन जल के विषय में, जीवन जल के विषय में बहुत ज्यादा सिखाने वाले व्यक्ति है संधि योहन। योहन का प्रकाशना ग्रंथ के अंदर भी हम लोग इसके विषय में पढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले योहन का सुसमाचार उसके अध्याय चार, योहन का सुसमाचार अध्याय चार उसका वाक्य 13 और 14 में जाएंगे। हमें मालूम है यहां पर योहन का सुसमाचार अध्याय चार समारी स्त्री से ईसा मसीह का संवाद है, बातचीत है। वहां पर मैं डायरेक्ट 13 और 14 में जाता हूं। वहां पर प्रभु ईसा मसीह उस समारी स्त्री से कहते हैं जो ये पानी पीता है, जो कुएं में वो पानी भरने के लिए आया, उस पानी जो लोग पीते हैं जिस पानी जीवन देने वाला नहीं है ऐसा पानी, उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु मैं किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। अनंत जीवन की ओर लेकर के जाने वाले जीवन जल पिलाने के विषय में ईसा मसीह यहां पर सिखाते हैं। और साथ ही साथ योहन का यीशु समाचार दिया है 7 वाक्य 37 और 38 को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 7:37 और 38 वहां पर पर्व के अंतिम दिन में ईसा मसीह लोगों के बीच में उठ खड़े हो गए और प्रभु पुकार पुकार करके क्या कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है, जो ईसा मसीह में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है उन लोगों के जो प्रभु ईसा मसीह के पास आकर के विश्वास के साथ उस जीवन जल को पी करके जो अपना प्यास बुझाता है उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है करके यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय तक नहीं दिया गया, अर्थात पवित्र आत्मा का जो समय अभी तक नहीं आया था, इसी कारण ये लिखा है। एक कर करके टिप्पणी भी हमें इसके साथ मिलता है। और इसको और समझने के लिए हम लोगों को सीधा योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में जाना है।
योहन के सुसमाचार अध्याय 15 हमें मालूम है सच्ची दाखिलदा के विषय में। वहां पर प्रभु ईसा मसीह वाक्य 4 को सबसे पहले पढ़ लेता हूं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं हम प्रभु में रहे और प्रभु हम में रहेगा। जिस तरह दाखलदा में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकती। ईसा मसीह बार बार इसके बाद वाक्य 5 में और वाक्य 8 में हर समय पर बार बार प्रभु बोलता है तुम मुझ में रहो, तुम मुझ में रहो, तुम मुझ में रहो। प्रभु में रहेगा तो हमें कृपा आशीष मिलने के विषय में। वाक्य 7 को भी पढ़ लेता हूं, वहां पर लिखा हुआ है यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा, मेरी शिक्षा बनी रहे तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहेगी तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए प्रभु का शिक्षा हमारे अंदर होना जरूरी है। कल के क्लास में मैं प्रार्थना करने के विषय में और प्रभु की शिक्षा से भरे रहने के लिए माता पिता बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के विषय में सब कल के क्लास में बता कर दे। आज वही प्रभु की शिक्षा हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु से हम जुड़ा हुए होना चाहिए, तब वो जीवन जल हमारे अंदर बहेगा, हमें जीवन मिलेगा, हम फल उत्पन्न करने वाला डाली तब बन सकता है। और थोड़ा सा जाते हैं अध्याय 14 का वाक्य 23 को भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 14:23 वहां पर ईसा ने लोगों से कहा, उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। अर्थात ईश्वर का निवास स्थान, हम हमारा शरीर ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का मंदिर बनने के लिए हमें प्रभु को प्यार करना, प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है। कैसे? प्रभु की शिक्षा हमारे अंदर, प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाला, प्रभु का आदर करना, प्रभु को प्यार करने का मतलब है प्रभु का कहना मानना, प्रभु के नियम के अनुसार चलना। वाक्य 15 को भी पढ़ लेते हैं, वहां पर लिखा है यदि कोई मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करना। प्रभु के आज्ञा, प्रभु का नियम, प्रभु क्या सिखाया उसको यहां वहां घुमा फिरा करके अपने बुद्धि से नहीं बोलना है। इसलिए कलीसिया को अधिकार मिला हुआ है सिखाने के लिए। प्रभु ईसा मसीह ने एक कलीसिया की सृष्टि की। बाइबल के अंदर कई जगहों पर प्रभु एक होने के विषय में, जैसे दाखलदा का उदाहरण हो, शिक्षा हमारे अंदर रह करके ये प्यार की कहानी के द्वारा हो, प्यार के अनेकों चिन्ह हैं, उनमें से सबसे ईश्वर और हम पापी जनता का जो रिश्ता को प्यार के, उस रिश्ता को पति पत्नी के जो रिश्ता के साथ तुलना कर कर रखा है। पति पत्नी के, हम प्रभु के दुल्हन हैं, दुल्हा दुल्हन के वो जो रिश्ता हम लोग देख रहा है कहां पर, प्रभु ईश्वर और मनुष्यों के बीच का वो रिश्ता को, इससे बढ़कर के एक सुंदर रिश्ता बाइबल में बताया ही नहीं है। उदाहरण के लिए संत पौलुस एफेसियों को भी लिखते हुए यही सिखाते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से लेकर के 33 तक का पूरा वचन यही है, पति पत्नी के रिश्ते को समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु मसीह और कलीसिया के बीच का वो प्रेम को बता करके दे रहा है। इसका मतलब ईश्वर कलीसिया को बहुत अधिक प्यार करता है, इसलिए ईसा मसीह ने कलीसिया की सृष्टि की और कलीसिया को अधिकार दिया। उस कलीसिया को अधिकार किसके लिए दिया, क्या क्या के लिए? एक तो टीचिंग्स, जाओ संसार के कोने कोने में जाकर के तुम सिखाओ। कौन सिखाना है? कलीसिया सिखाना है। आज जो कलीसिया से हट करके बपतिस्मा भी नहीं प्राप्त किया, ऐसे अनेकों लोग हैं ईसा मसीह के विषय में प्रचार कर रहे हैं, मैं बोलूंगा बहुत खतरनाक है। जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित नहीं किया,
अपना अपना व्यक्तिगत कलीसियाएं स्थापित करते हुए जो शिक्षा दे रहा है, ये बहुत बड़ा एक खतरनाक अवस्था है। ईसा मसीह ने अपना दुल्हन को किस प्रकार प्यार से रखा है, उसको उनके वो कलीसिया का जो निर्माण कार्य में भी हम लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग तिमत्ती का पहला पत्र उसके अध्याय तीन, तिमत्ती का पहला पत्र अध्याय तीन वाक्य 15 को पढ़ेंगे, वहां पर इस कलीसिया के विषय में एक सुंदर सा बात बता कर दे रहे हैं। फर्स्ट तिमत्ती चैप्टर 3 वर्स 15, वहां पर संत पौलुस तिमत्ती को लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। ईश्वर ने एक कलीसिया की स्थापना किया, वो घर है अर्थात निवास स्थान है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। ईश्वर का घर कलीसिया है और वो कलीसिया सत्य का स्तंभ और मूल आधार है, पिल्लर और फाउंडेशन, पिल्लर और फाउंडेशन है। इसका मतलब ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार एक कलीसिया की स्थापना किया। यदि ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ को अगर हम देखते हुए जाएं, हम लोगों को मालूम है धीरे धीरे प्रभु ईसा मसीह शिष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, अन्य लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉलोअर्स को बढ़ा रहा है। इस प्रकार आकर के यहूदियों का एक समुदाय का, गैर यहूदियों का समुदाय का, ये सब करते हुए आए। इसके बाद मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर हम लोग देखते हैं पेत्रुस रूबी चट्टान पर अपना कलीसिया बनाने का विषय में। उससे पूर्व में हमने देखा एक यहूदी कलीसिया और एक गैर यहूदी कलीसिया। यहूदी गैर यहूदियों को पेत्रुस रूबी चट्टान पर खड़ा करते हैं, अर्थात पेत्रुस को उसका उत्तराधिकारी, उसका हेड बनाते हैं। वाक्य 19 में कहते हैं, स्वर्ग राज्य की कूची मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कूंची प्रदान करने का मतलब है अधिकार। ईसा मसीह का मृत्यु जी उठने के बाद स्वर्गारोहण के पहले ईसा मसीह उसी पेत्रुस के पास जाकर के, शिष्यों के पास जाकर के पेत्रुस से कहते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 16 और 17 तीन बार ईसा मसीह पेत्रुस से स्वीकार करवाया, मैं आपको प्यार करता हूं, आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि तीन बार पेत्रुस ने टुकराया था, पुनः तीन बार स्वीकार करवाते हुए ईसा मसीह पेत्रुस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, इस प्रकार बोल करके। इसका मतलब ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर अपना कलीसिया बनाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 और 19। इसके बाद अध्याय 18 का वाक्य 18 के अंदर, जो कुछ तुम यहां बांधेगा स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। बांधने और खोलने का अधिकार उस कलीसिया को देते हैं। और उसी कलीसिया को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से 20 तक वो पढ़ेंगे, उनको भेजते हुए कहते हैं, तुम जाओ संसार को सिखाओ, शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। इसका मतलब शिष्य बनाकर बपतिस्मा देने का अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दिया। यही पेत्रुस के विषय में लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 31 और 32 को भी पढ़ लेते हैं। लूक चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु सिमोन से कहते हैं, सिमोन सिमोन सैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। उनकी परीक्षाओं के समय पेत्रुस ईसा मसीह को टुकराएगा और सारे शिष्य लोग ईसा मसीह को छोड़कर के भागेगा अपने जान बचाने के लिए। ऐसा
सैतान को अधिकार मिल गया है। और प्रभु आगे क्या कहते हैं, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते में आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना, अपने भाई अन्य प्रेरितों को, इस कलीसिया को संभालना। इसके बाद हम लोग देखते हैं योहन के सुसमाचार में स्वर्गारोहण के पहले पेत्रुस को अपने भेड़ों को मेमनों को देखते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब कलीसिया का अगुवाई करने का अधिकार प्रभु ने पेत्रुस को दिया। इसका मतलब ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया और उस कलीसिया को यह अधिकार दिया कि वो सिखाने के लिए। इसका मतलब यदि हमें जीवन जल चाहिए, ईसा मसीह ने अपने वधु, अगर उनका घर जीवंत ईश्वर का घर वो कलीसिया है, वो सत्य का स्तंभ है, तो हमें उस स्तंभ में, उस कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है जिस कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया। ये जीवन जल प्राप्त करने के लिए ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया और उस कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है। उस कलीसिया से अलग होना, उस दाखलता से अलग होना, तब तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा, सूख जाएगा, तुम फल उत्पन्न नहीं करेगा। फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु का उस शरीर, उस घर अर्थात कलीसिया से जुड़ना है। यहां पर हम लोग यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 2:13 में पढ़ते हैं, जीवंत जल का उस स्रोत को इन लोगों ने टुकरा दिया, छोड़ दिया। अनेकों लोग कुछ न कुछ कारण बताते हुए उस जीवन के स्रोत को छोड़ दिया, अर्थात वो कलीसिया, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया वो प्रभु का वो घर है, उसको छोड़ना, जीवंत जल को छोड़ना है, जीवन छोड़ना है। उस कलीसिया में जब तक आप जुड़े हुए नहीं हैं, आप पाप स्वीकार नहीं करेगा, पाप की अवस्था में रहेगा, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर जो सहन करते हुए अपना रक्त बहा करके, जो मर करके हमारे लिए जो कमाया पाप मुक्ति, उसे तुम इस कलीसिया से दूर होने के कारण तुम्हें पाप मुक्ति नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, प्रभु ने अपना शरीर और रक्त को हमें ग्रहण करने के लिए, खाने पीने के लिए दिया है। उस शरीर और रक्त को जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात ईसा मसीह जो क्रूस पर मरा है, हमारे लिए जीवन का वो स्रोत फूट निकला है वहां से, लेकिन जो उस कलीसिया के अधीन नहीं रहता, उस कलीसिया से जुड़े हुए नहीं रहते, उससे अलग हो रहा है, अलग होकर के अपना मनुष्यों के द्वारा कलीसिया स्थापित कर वहां व्यवसाय कर रहा है। ये यहां पर यर्मिया का ग्रंथ दिया 2:13 में लिखा, उन्होंने ऐसा जगह खोद कर रखा जो संजीवन जल को त्याग करके ऐसे कुंड बनाया जिसमें दरारे हैं, जिसमें पानी नहीं ठहरता। ऐसे कुंड खोदने वाला आज यहां एक कुंड खोलेगा, कल वहां पर ऐसा कुंड खोल खोल करके कितना कुंड खोदे, 40,000 से ज्यादा कुंड खोला, ढूंढ रहा है पानी। आज 40,000 से ज्यादा गुटों में बट गया, जल स्रोत नहीं मिल रहा है। संजीवन जल के उस स्रोत को तुम छोड़ करके चला गया, अब ऐसा कुंड खोद कर करके बैठा हुआ है जिसमें पानी नहीं ठहरता। वहां चंगा ये, वहां वजन है, वहां ये कई ऐसे चीजें दिखा करके शैतान क्या नहीं कर सकता। संजीवन जल के उस स्रोत से तुम्हें हटाने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने एकमात्र एक ही कलीसिया, क्योंकि प्रभु का एक शरीर है,
वो कलीसिया पवित्र कलीसिया है क्योंकि प्रभु का शरीर पवित्र है। वो कलीसिया कैथोलिक अर्थात प्रभु का कलीसिया सब लोगों के लिए है, सर्वव्यापी हर जगह पर है। एक कलीसिया वो कैथोलिक कलीसिया, इसके बाद वो प्रेरित कलीसिया है क्योंकि प्रभु ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर बनाया। प्रेरित पर होना चाहिए। आज मनुष्य अपने लिए ऐसा कुंड बना रहा है। आज ये वचन जर्मिया 2:13 यही हमें सिखाता है, प्रतिदिन अपना अपना कुंड कूदते जा रहे, लोगों को बुला रहे, हाँ हाँ यहां पानी है, यहां चंगाई, यहां आ जाओ, हमारे कुंड से पियो, दूसरा वहां खोल करके बैठा हो, यहां आ जाओ, तीसरा वहां कूद कर बैठा हुआ है, यहां आ जाओ बोल करके, इस प्रकार लोगों को भ्रमा रहा है। लोगों को जीवन जल के, संजीवन जल के उस स्रोत को त्यागना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के कारण जिसमें दरारें हैं वो टूटते जा रहा है। ऐसे जगहों से बचने के लिए कहते हैं यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 को भी थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। यर्मिया अध्याय 17 वहां पर वाक्य, यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 13 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु इसराइल की आशा, उन सबों को निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं। तुझे त्याग करके अलग कुंड बनाने वाले उन लोगों को आखिर में निराश होना पड़ेगा क्योंकि प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने नहीं मिल रहा है, पाप क्षमा नहीं मिल रहा है, सत्य जीवन का जल जो जीवन मिलने वाला जो स्रोत था कलीसिया में उससे छोड़ करके तुम अपना कुंड खोद रहा है। इसके बाद लिखा है जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। अभी भी समय है प्रभु, इसलिए प्रार्थना किया महापुरोहित की प्रार्थना, ये पिता जैसे हम एक है वैसे ये भी एक हो जाएं। 40,000 गुटों में बांटने के लिए प्रभु नहीं कहता, एक होकर के रहने के लिए, इसलिए केवल 12 शिष्यों में से एक को मुख्य बनाया, पेत्रुस को मुख्य बनाया, पेत्रुस के अधीन, हमें मालूम है पौलुस भी उनके अधीन रहा। इसके बाद आज 266वां संत पापा फ्रांसिस, आज विश्व के पूरे कैथोलिक कलीसिया उनके अधीन रहते हैं। जीवन जल के स्रोत को, उस संजीवन जल के स्रोत को पकड़ कर रखने वाले इस कलीसिया में आपको जीवन जल मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इसका मतलब यदि आप मुक्ति चाहते हैं आपको इस जीवन जल के इस कलीसिया से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 811 में प्रभु का उस उपस्थिति उस कलीसिया में हमेशा रहता है। जीवन जल का स्रोत चाहिए, इस प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है उस कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है। एक है जीवन जल का स्रोत कलीसिया, एक है जो दरार वाला जो कुंड है। आप कहां जाएगा आपको निर्णय करना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 830 में लिखा है प्रभु ईसा मसीह ने केवल एक कलीसिया के निर्माण किया, उस कलीसिया को पेत्रुस के अधीन में रखा है। पेत्रुस के जो बाद जितने भी संत पापा है उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्रभु का शरीर का अंग है। अन्य जितने भी मनुष्यों के द्वारा जो कलीसियाएं बनाया हुआ है वो सूखे हुए वो कुंड है,
जिसमें दरारें हैं। कैटेकिस्म 816 के अंदर, 816 के अंदर साफ साफ इसलिए लिखा है, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से जुड़े बगैर जीवन का स्रोत आप प्राप्त नहीं कर पाएगा, अर्थात मुक्ति का जो पूर्णता आपको इस कलीसिया से जुड़े रह करके मिलेगा। इसका मतलब है जरमिया का ग्रंथ अध्याय 2:13 में दो अपराध, सबसे पहला अपराध जीवन जल का उस स्रोत को, उस कलीसिया को छोड़ना, और सेकंड अपना अपना कलीसिया बनाना, ये पाप है, अपराध है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से माफी मांगे। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया प्रभु की उस शिक्षा के विरुद्ध में सिखा करके अपना अपना कुंड से खोदने वाले लोग, उनके पीछे अनेकों लोग जा रहा है, जिस कुंड में पानी नहीं ठहरता, जिस कुंड में दरारें हैं, ऐसे कुंड के पीछे भागने वाले ढीले ऐसे कुंड खोद रहा है, क्योंकि उनमें दरार होने के कारण, पानी नहीं ठहरने के कारण वो छोड़ करके दूसरा तीसरा ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहा है। जो जीवन जल का स्रोत निकलने वाला वो जगह है पवित्र कलीसिया, जिसे ईसा मसीह ने स्थापित किया। उस कलीसिया में विश्वास के साथ जुड़े रह करके हमें अपना प्यास बुझाना है, तब हमारे अंतरस्थल से संजीवन जल का नदियां बह निकलेगी। निर्णय कीजिए, ऐसे मनुष्य निर्मित कुंडों के पीछे नहीं जाने का, ऐसे दरार वाले कुंड में रह करके अपना जीवन को बर्बाद ना करने का। प्रभु की शिक्षा आपके अंदर है, उस शिक्षा के अनुसार आप जी रहा है, तब प्रभु से हम प्यार करते। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। वो सत्य शिक्षा के जगह पर शैतान की झूठी शिक्षा, चाहे संत पापा के अधीन रहने की जरूरत नहीं, हम स्वयं अपना कलीसिया बना सकता है, हम भी प्रभु का सेवा कर रहा है, परम प्रसाद प्रभु का शरीर रक्त को अब ग्रहण करने की जरूरत नहीं, वो उस समय के लिए था, पाप स्वीकार मनुष्यों से करने की जरूरत नहीं, ईसा मसीह ने जो स्थापित किया, ईसा मसीह ने जो आदेश दिया आज के लिए नहीं। ऐसी ऐसी झूठी शिक्षाओं में जाकर के जो संजीवन जल से दूर जा रहे हैं उनको मन परिवर्तन की कृपा मिले, जल्दी से जल्दी सच्चे कलीसिया से जुड़ने की कृपा मिले, जहां से आनंद जीवन मिलेगा, जहां आनंद जीवन मिलेगा, जहां रह करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है, प्रभु के उस कलीसिया से जुड़ने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को उसके लिए आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। आप सबों को जय यीशु।